नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर, यानी बड़ौदा उपचुनाव के मूड को समझने और समझाने का ये सफ़र है, ये दौर है। और अब हम पहुँच गए हैं, ये भावड़ा बुरा गांव है, ये विकास पट लगा हुआ है और क्या क्या काम हुए हैं ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है। 17 काम का की सूची वहाँ पर लगी हुई है और इस गांव में अच्छी खासी तादाद है, बड़ा गांव है, तकरीबन 5000 वोट यहाँ पे, 4900 समथिंग है, यानी लगभग 5000 के आसपास वोट हैं। और ये देखिए गौरव पट लगा हुआ है, गांव बावड़ा और खंड है कथूरा। और गांव का देखिए इतिहास भी लिखा है, बावड़ा में काली रामण गोत्र के व्यक्ति रहते हैं, इनको कुछ लोगों ने भिवानी ज़िला के काटावास गांव से आकर लगभग 900 वर्ष पहले यहां बसाया था। 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, काली रामण गोत्र का सोनीपत ज़िले में ये सबसे बड़ा गांव है। ये गोहाना उपमंडल से कुछ किलोमीटर लिखा है, मीटर, ज़िला मुख्यालय से 60 किलोमीटर। यह गांव की कुल संख्या, जनसंख्या जो है 8700 है। और यहां खिलाड़ियों के नाम श्री मुख्तियार पुत्र भलेराम कुश्ती, ये एक देखिए, इसमें दूसरी तरफ भी है, कई खिलाड़ी हैं यहां पे, अमित कुमार, अमित पुत्र जसवीर राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, मास्टर इंद्र सिंह पुत्र माया चंद वरिष्ठ अध्यापक, ये तमाम देखिए कैप्टन हैं भारतीय सेना में, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं। ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो गांव हैं उसमें इस तरह के गौरव पट लगाने चाहिए ताकि जो लोग बाहर से भी आते जाते हैं उनको भी उनके बारे में पता चले। देखिए महान विभूतियाँ, सेवानिवृत्त कर्नल से सेवानिवृत्त कर्नल, कर्नल देखिए मतलब खिलाड़ी भी हैं और मतलब हरियाणा भूखंड हड़ताल की थी, देखिए कार्यकारी अभियंता, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है हर गांव में इस तरह की चीज़ें लगानी चाहिए। 600 मकान हैं, 1806 में ये गांव बसाया गया था और 600 मकान है, जनसंख्या इतनी, वाना तहसील वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4507 था और 600 मकान थे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी गांव के इतिहास भूगोल को समझने के लिए और उस इतिहास भूगोल का सीधा संपर्क या सीधा मतलब कई बार चुनावी गणित से भी हो जाता है। आइए गांव के अंदर चलते हैं। गांव के अंदर आ गए हैं और यहाँ कुछ लोग, राम राम बाबूजी, राम राम, राम राम, और सब घर में सब खुशी राजी, सब सब ठीक ठाक। अच्छा, आजकल हम लोग जरा गांव गांव घूम रहे हैं बड़ौदा हलके में, है देखा आपने टीवी पे सारी आण देखा रे, आण मारे तो आण लाग रे। हां, हरि भाई रे, हाय रे, हां आ रहे हैं सब लोग। हां, अच्छा तो इस गांव में तो काफी बहुत 5000 के ऊपर वोट हैं, 5000 के आसपास है ना, 6000। अच्छा, तो इसमें पिछले चुनाव में क्या माहौल रहा था? पछला पछला आगा गागला, अब हमने के बेरा क्यों करवा क्यों करनी, जिसकी वोट अपना ही आग। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछली बार सबसे ज्यादा वोट किसको मिला था? कांग्रेस को। कांग्रेस को, उसके बाद सेकंड बीजेपी, सेकंड है बीजेपी। तो फर्स्ट और सेकंड में कितना फर्क था? काउंटिंग का इतना नॉलेज नहीं है, बाकी फर्स्ट इस गांव से है। नहीं नहीं, इस गांव से मतलब कांग्रेस है। अच्छा, आप लोग सब कांग्रेस कांग्रेस हैं क्या? कांग्रेस के सब, कांग्रेस सब, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से बीजेपी के कौन? 4 वोट बीजेपी के आड़े यहाँ, यहाँ 4 वोट बीजेपी के हैं, 4 वोट बीजेपी के, 4 कांग्रेस के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे 4 बीजेपी और 4 कांग्रेस बैठे हैं, 4 बीजेपी बैठे हैं।
अच्छा तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ठट है भैया चार आदमी न्यू है ठट ठट कांग्रेस आवे न्यू तो गार्ड आवे है वही तो डर दे रहे नटना पड़े है। अच्छा ये बात है ये बता नहीं तो करके खाना नहीं के न्यार पड़ना सारी आने के मुंह के ऊपर का भी तो ना भी तो खबवा दिया। अच्छा अच्छा समझ रहे क्या बोल रहे हैं भाईचारा तो रहने चाहिए गांव में। वोट अपना जिसको देना है दे दीजिए वो अलग बात है लेकिन भाईचारा गांव में नहीं आ सकते ना इसीलिए। अच्छा प्रॉपरली खुल करके नहीं आ सकते हैं। अच्छा भाईचारा फर्स्ट चीज है राजनीति बाद में। तो नहीं तो भाईचारा में वो अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो आप अगर बीजेपी कह देंगे तो इसमें भाईचारा क्यों टूट जाएगा? नहीं टूटना चाहिए। नहीं सत्ता का दिन ज्यादा वो असर है वो ना टूटता है। अच्छा ज्यादा नहीं टूटता ना। अच्छा अच्छा जो लोग कांग्रेस वाले हैं ये बताइए कि कांग्रेस अच्छी क्यों है फिर मैं बीजेपी वाले नहीं है। अच्छा कोई सी पार्टी में नहीं है। अच्छा कांग्रेस वाले कौन है इसमें कौन? अच्छा कहे कांग्रेस क्यों बेहतर है? काम करवा रहा है क्या कांग्रेस ना रही से काम करवा रहा है? काम करवा रहा है क्या? क्या काम की वजह से सीट ठेला रही अगले उनके ठेला वगैरह पावर हाउस लगवा दिया पावर हाउस लगवा दिया एक दो ट्रांसफार्मर लगा में बन जितने ट्रांसफार्मर ठीक रखे तो करते कोई वो है निर्माण गया था एक। अच्छा 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 दो तीन तीन बूस्टर लगवा दिए पावर हाउस बनवा दिया स्टेडियम बनवा दिया डिग्गी पक्की करवा दी रोड पक्के करवा दी सरकार सारा काम करे कांग्रेस वाला। अच्छा ठीक ले लाई ये रोड देख रहे थे कितका पास हो रही वाला बम्बे वजह है सिंगल रास्ता उस पर टैक्की दे नहीं लगी। अच्छा रोड दोनों आओ चौड़ा हुआ टैक्की भी ना लगी उसको पूरी। अच्छा कांग्रेस में दूसरा दूसरा बनवा दिए। और कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में इस बार अगर बाहर के हल्के का इस हल्के का कैंडिडेट नहीं दिया तो फिर दिक्कत होगी। दिक्कत भी हो जाएगी इस का नहीं आता तो बीजेपी की जाएंगे। अच्छा इस हल्के का नहीं आया कैंडिडेट कांग्रेस का तो आओ भाई से हल्का गावा का भाई सोच के देगा टिकट में इसी पागल ना उड़ा भी सोच के देगा टिकट उड़ा का जगह तो भाई यू है तो मनोर मारे है पीछे की जाएंगे। अच्छा तुम आ जा भाई चाहे उड़ा जमानो कास्ट में है बिना कहना मतलब ये हम कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं सीएम को वोट दे रहे हैं ये जाया कांग्रेस से बैठे ना कहना मतलब ये है। अच्छा यहाँ वोट सीएम के नाम से जा रही है ना कि एमएलए नाम से। अच्छा मतलब हुड्डा के नाम पे जाएगा या बीजेपी के नाम पे जाएगा? नहीं जो इनकी वोट है वो भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे जा रही है ना कि मैं यहाँ के एमएलए के नाम से जा रही। अच्छा उनके नाम पे नहीं है हुड्डा के नाम पे है भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा उनके नाम पे वोट जा रही है। अच्छा इधर मैं बीजेपी के लिए इधर घूम जाऊँ बीजेपी का तो पता मारे बैठे तेरे भाई मारे बीजेपी तो पूछने मेरे पूछ दे। अच्छा आप ही तो पूछ लेते हैं ये कांग्रेस कह रहे हैं तो बीजेपी को वोट क्यों इस इलाके से? भ्रष्टाचार कम हुआ इसलिए। अच्छा पहले 5-5, 10-10 लाख दे के नौकरी लग गया करते ये मेरे गांव के 8-10 लाख लग गए फ्री लगे। अच्छा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म करा बीजेपी ने सबसे मेन मुद्दा ये है मेरा बीजेपी मानने का। अच्छा तो इस गांव से आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी को कितना वोट मिल जाएगा? 50% तो डेफिनेटली आई है। 50% मिल जाएगा? मिल जाएगा हाँ जी। और 50% कांग्रेस में? नहीं 50% में 40% कांग्रेस का 10% मात्र भी आओगे। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि 50% बीजेपी 40% कांग्रेस और 10% में बाकी सब है? मेरा अनुमान तो ये बाकी हाँ ठीक है बूंद बूंद से सागर भरता है आपका अनुमान है तो आप ही का अनुमान पूछ रहे हैं है? अच्छा क्या लगता है बीजेपी आओगी जी? बीजेपी आएगी सरकार का वो फैक्टर हो है काम बीजेपी ने भी करे तीन योजना बन गया था उड्डर आगे कह जाए दियो वही इसने कृष्ण उड्डर दो रजावा एक ग्रांट मांगा था उड़ा तो 270 का मिलाना था बोला सरकार दो को नहीं कौन सा सरकार है भी वही बात मन नहीं भाई साहब बीजेपी की देनी है सरकार के गेल चालन में फायदा है गांव का दो कृष्ण उड्डा दौरा गए थे मैं सरपंच उड़ा तरह उड़ा वहां स्कूटरी खड़ी ना उड़ा मिलाना था वो रोड
सरकार तो कौन मा के मैं थोड़ा घना 50-60 का काम हुई तो बोलिया ना मारे तो ये पिछले 5 साल में जब ये खट्टर मिलया ना पहले तो काम हो बीजेपी आए पाछे तो कुछ नहीं एमएलए ने कुछ नहीं करे अच्छा सर, तो सरकार के साथ जाने में ज्यादा फायदा लगता है हल्का हर मई बारी है मारा हल्का दो बरदा है कौन बार है गया आने बैठे ही फिर आने बैठे हैं वही मारा हल्का का लग दो टिकट थंदी भी नहीं है ये भी थंदी है यू है सिस्टम भाई साहब सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं भाई हल्का ने टिकट ठियाओगी तो हल्का उसकी गेल है ना तो कोई भी कितने भी जा सके हाँ जब हमारा हल्का का आदमी थी टिकट देगा ना हाँ। तो मतलब उठे गेल है हल्का हाँ। जब हल्का तो नई टिकट देगा ना तो मतलब उठे तो सब खिलाफ हो जाएगा हाँ। तीन योजना तो रजरेब था हाँ। फिर तीन गेड़े इसके हो लिए छे हम तो नहीं हो लिए हमारा हल्का का तो कोई इतना पकड़ने दें दे नहीं लिए फिर उधर तो ऊपर आने ही दें दे भाई साहब अच्छा उड़ा का वो काम कर रहे क्या ईशा सरकार जानते है काम कौन टूट दे 5-7 साल तो और आगे भी चलते होंगे देख लो कि विकास का के मैं ईशे तो ये भी करवाऊ है ये ओटड़ा करवा दिया और बसोली तो थमड़े नहीं देंदे सरपंचा की ऊँ घना घसड़ा से नहीं उपचुनाव है आपके बड़ौदा में क्या माहौल रहेगा माहौल तो भाई किस पार्टी के लिए माहौल ठीक रहेगा ये बताऊं कोको थोड़े बोल रहे कोको थोड़े बोल रहे आप अपनी बताइए आप अपने मन की बात बताइए मामने तो नहीं लग गए है भाई आले तो आले के तो उड़ा का ताने उड़ा जी ने टिकट देगा ने ये रिये का ने तो दे दी हल्का का तो दे दी तो कांग्रेस का मन जगह नहीं तो बीजेपी का बनेगा अच्छा उड़ा ने अगर हल्के का दिया तो कांग्रेस का बनेगा हाँ। नहीं दिया हल्के का तो बीजेपी का बार का दे दिया ने तो बीजेपी का बनेगा चला गया तोड़ बता दी एक लाइन में सीधा सीधा बता दिया कि यहाँ का गणित क्या होगा तो तीन बार तो आप लोग हल्के के बाहर वाले को लगातार जिताते रहे मेरा इस बार भी हुड्डा आ जाएंगे बोलेंगे कैंडिडेट मत देखो ना इनका कौन मान इस बार नहीं मानिए लोग छड़े हो गए अच्छा ये पिछले एक साल में से आने हुए ये इस बार यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर के मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जिस गांव में भी जा रहा हूँ ये एक जबरदस्त आवाज उठ रही है कि अगर हल्के का कैंडिडेट हुआ तब तो कांग्रेस के लिए ठीक है अगर हल्के से बाहर का कैंडिडेट हुआ तो कांग्रेस के लिए और कांग्रेस का क्या कहा जाए यहाँ पे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का ही कहा जाएगा उनके लिए मुश्किल हो सकती है तो ये लोकतंत्र है सबकी अपनी अपनी आवाज़ है बाकी हम थर्मामीटर लगा रहे हैं टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं आइए चलिए अब हम पहुंच चुके हैं ये ग्राम पंचायत निजामपुर है तकरीबन 2200-2300 वोट हैं यहाँ पर और ये सड़क जो है ये जींद गोहाना रोड है इसके बाद अगर आप इधर आगे बढ़ जाएं ये तो गांव की एंट्री है इधर अगर आप बढ़ जाएं तो लुधाना है और पीडब्ल्यूडी की सड़क है ये आइए गांव में चलते हैं चलिए हम गांव में हैं और जरा इधर राम राम जी राम 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 और सब घर परिवार सब खुशी राजी सब अच्छा ये उपचुनाव है आपके हल्के में बैठिए 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 तो आजकल गांव-गांव घूम रहे हैं है ना इसको हम लोग कहते हैं थर्मामीटर तो थर्मामीटर लगा के देख रहे हैं कि किधर कौन सी पार्टी में गर्मी कौन सरकार कर रही है काम किस गांव में क्या तकलीफ तो सरकार तो कोई सी काम की नहीं दिखती कोई सी काम की नहीं है वो जनता का बेवकूफ बनाना हाँ और अपने जी से लेने सरकार ना बस और कुछ नहीं कि मतलब सब लोग बताइए सब लोग बताइए चुनाव में क्या रहा था इस गांव में पिछले चुनाव में जेजेपी जीती मतलब सिर्फ इस गांव का पूछ रहे हाँ, इस गांव में जेजेपी जीती जेजेपी जीती थी नंबर एक पे हाँ जी नंबर दो पे कृष्ण हुड्डा जी और नंबर तीन पे बीजेपी अच्छा
तो एक और दो में, नंबर एक और दो में कितना वोट का फासला था इस गांव में? 200-250 वोट का। अच्छा, 200-250 का फासला था। अच्छा, और अब क्या माहौल है? अब हाल फिलहाल कोई मोल नहीं जी, बैल तो आगे ने इलेक्शन आवाज भी होगी कि मैं। हाँ, तो इलेक्शन तो अब अनाउंस हो जाएगा। अभी होया तो नहीं है जी, हुआ नहीं है। अभी मोल देखेंगे, कैंडिडेट का सिस्टम देखेंगे, कैंडिडेट को पर देखते कौन सा कैसा कैंडिडेट आता है उसी को पर। अच्छा अच्छा, तो मतलब कैसा कैंडिडेट? पिछले बार कैंडिडेट ठीक नहीं था सब पार्टी में? नहीं नहीं, ठीक नहीं था। कौन एक ही पार्टी में से था? नहीं, कांग्रेस का था जो कृष्ण, बस कांग्रेस का ही कृष्ण हुड्डा जो थे वो बाहर के थे ना, बाकी जेजेपी वाले आपके हलके के थे, बीजेपी वाले आपके हलके के थे, आईएनएलडी वाले आपके हलके के थे, तो बाकी तो सब हलके वाले ही थे। तो यहाँ से जेजेपी को दिया था। कितने, क्या आबादी है इस गाँव की? 2500 के आसपास वोट है। और कौन कौन सी बिरादरी है यहाँ पर? सब लोग हैं। हाँ जी। सबसे ज्यादा कौन है? जाट। सबसे ज्यादा जाट है। हाँ। इसके बाद? उसके बाद बाल्मीकि का रीजन। अच्छा, उसके बाद बाल्मीकि और फिर बाकी सब लोग होंगे। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो पिछले बार जेजेपी यहाँ से आगे थी। हाँ जी। और पूरे आपके हल्के में कांग्रेस आगे। हाँ जी, कांग्रेस आगे। तो उसकी क्या वजह रही यहाँ से जेजेपी लीड की? हुड्डा की वजह से। नहीं, तो जेजेपी तो अलग है पार्टी ना, है ना? मान लिया आपने को हो। अच्छा, बाकी जगह जो कांग्रेस आगे गई हुड्डा की वजह से। हुड्डा की वजह से। तो हुड्डा का यहाँ पे वो नहीं है? नहीं जी, है हुड्डा का भी है। हुड्डा क्यों नहीं है? हैं, हुड्डा का भी है। हाँ, मतलब वोट हुड्डा को मिलती है। नहीं नहीं, यहाँ से जेजेपी नंबर एक पे रही। हाँ जी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा नहीं, वो अपने हलकम तो आप गांव में तो जीते ही वो है। जेजेपी का भी पाछे भी कपूर डॉक्टर की बुढ़िया थी। अच्छा, और कपूर भी नहीं, कपूर भी आगे था। जेजेपी से तो भूपेंद्र मलिक थे ना यहाँ से। अच्छा, जो है 38 साल पहले चौटाला की वोट थी, गांव में भी जीते आया था, पहले भी जीते। अच्छा हाँ, चौटाला की उस थी, फिर जेजेपी की तो भाग हो गए। अच्छा, तो कुछ लोग फिर जेजेपी का इंतजार कर गए। अच्छा, कुछ लोग जेजेपी में चले गए। और उसकी मान लेने वालों की पैसा टूट गया। और आईएनएलडी को वोट मिलता है इस गांव में? 2-4 वोट थी। अच्छा, अब 2-4-6 वोट रह गई। पहले ये गांव आईएनएलडी को वोट देता हाँ, था। हाँ, हाँ। अच्छा, तो वही आईएनएलडी वाला ट्रांसफर हो गया जेजेपी में, ये है ना? और हुड्डा के मतलब हुड्डा की बहुत वोट हो रही है। हुड्डा की भी वोट हो रही है, हुड्डा के कारण मिला है, और कोई बात और कोई दूसरे कारण से नहीं है। हाँ, तो मतलब हुड्डा पे भारी पड़ा ना जेजेपी या इस गांव में तो भारी पड़ा ना? इस गांव में भारी। हाँ, बाकी सब जगह तो नहीं देखता हूँ, लेकिन ये बहुत कम गांव है जहाँ पे जेजेपी पिछले में लीड की हो। तो आपका एक गांव हो गया, बस ये गांव है ना, सारे पीछे सारे पीछे नहीं, 2-4 गांव और होंगे हो सकता है जहाँ पे ना। क्यों गया पोड़ो में, छोटे छोटे गांव थे जो एक पोड़ा था। अच्छा, जेजेपी आगे रही थी, छोटे छोटे गांव में। अच्छा, उसके बाद फिर उड़ाया गया। हाँ, तो इस बार उस गांव में जीते। अच्छा, इस बार जेजेपी का क्या रहेगा? इनका तो कुछ नहीं पता जी बाल तो फिलहाल दोनों कैंडिडेट की बात देख रहे हैं, कैसा कैंडिडेट आएगा। हाँ। जेजेपी का इनका दोनों समझौता हुआ है। हाँ। या अकेले अकेले लड़े हैं? जो अकेले अकेले लड़ेंगे, अकेले अकेले तो नहीं लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे तो उठा बनेगा जी, अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे, बीजेपी और जेजेपी साथ साथ लड़ेगी। साथ साथ लड़ेंगे तो इन्हीं का बनेगा। अब ये कैंडिडेट कैंडिडेट चाहे बीजेपी का हो, सिंबल दोनों का नहीं, अलग अलग तो नहीं लड़ेंगे, दोनों गठबंधन में है। ये होगा कि एक पार्टी का कैंडिडेट होगा, सिंबल दूसरे पार्टी का हो जाए या आपस में समझौता हो जाए। हाँ, लड़ेगा दोनों में से एक गठबंधन के तौर पे, तो इसे भारी रहेगा, इसका भारी रहेगा बिल्कुल, चाहे वो कैंडिडेट बीजेपी से आए चाहे जेजेपी से आए। हाँ, हाँ गठबंधन का ही रहेगा, तो ये भारी पड़ेगा बिल्कुल। ठीक, अनुमान भी तो इतना भी तो ला ले। हाँ, 42,000 वोट तो बीजेपी का आई थी। हाँ, 32,000-32,000 वोट जेजेपी का आई थी। हाँ, 72,000-73,000 वोट होगी। हाँ, मान ले 10,000 भी कटेंगे तो फिर पलड़ा भारी रहे, पलड़ा भारी रहेगा। 10,000 कट की तो की बात है। हाँ, असल में तो कटती नहीं।
फिर ऊपर से सरकार भी है जी। हाँ जब उड़ा खुद पर्सनल आ जाने करते हैं फिर कोई से पसंद भी नहीं। अच्छा या तो बात है उड़ा जब माने दीपेंद्र आ जा या उड़ा की मेसी आ जा तब फिर दिक्कत है। हाँ फिर तो उड़ा बनेगा जी तब उड़ा बनेगा बिल्कुल एक तरफ ही हो जाए। अच्छा अगर हल्का ये जट्टों का जोर है अगर हुड्डा के परिवार से कोई आ जाए तब तब की बात लेकिन अगर हुड्डा के परिवार से नहीं आया फिर भी चढ़ जाएगी तो मुश्किल है। हाँ जी ये पक्की बात है। पॉलिटिक्स में जब आप नेता बड़े हो जाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि यस मैन कहने वाले जैसे बड़े नेता हो जाए ना और अभी दोपहर का 12-1 बज रहा हो और नेताजी कह दें कि मुझे तो आकाश में चांद दिख रहा है तो आसपास के जितने चमचमगे कहें जी सर चांद ही है और इलेक्शन हारने की बहुत बड़ी वजह बड़ी पार्टियों की यही होती है। ये लोग जो वोट देते हैं इनके मन में विचार क्या चल रहा है ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी लड़ रही हो चाहे वाजपेयी जी की सरकार रही हो और शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था कई बार ज़मीनी जो गणित है या जो ज़मीनी मन मिजाज है उसको बड़े बड़े नेता भांपने में चूक जाते हैं और उसकी मेन वजह होती है उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे रहते हैं जो सलाहकार मंडली है दिन को रात को दिन और दिन को रात कहने वाले लोग हार की बहुत बड़ी वजह बड़े बड़े नेताओं या पार्टियों की वो लोग भी होते हैं। चलिए बहुत 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 राम राम। हारने की जरूरत नहीं कपूर डॉक्टर बनेगा जब बीजेपी वाले ये दुष्यंत वाले इकट्ठा दे दे दो। अच्छा हाँ हाँ हारने की जरूरत नहीं। अच्छा और जाओ कांग्रेस में जाके मिल जाए ना कपूर फिर भी कपूर बनेगा तो फिर कांग्रेस की तरफ से हो जाएगा। हाँ कांग्रेस की तरफ से कपूर ने टिकट लिया जाए ना उसकी 15-20 हजार मतलब वोट खुद की आपकी है से हरिजन का मरो से ब्राह्मण का गुजरो आवाज आवे है मतलब गमी में साथी में रिबन काटने में तो मतलब मिलतवारी के हिसाब से मानस अपना न्यूज देखे है आप मेरा से कुछ ना करो न्यूज से भाई रोज आवाज आवे कुछ न कुछ तो टिका करेगा खुद की मिलतवारी है एक वोट गिरेगा हम उसके जोर से आवा नहीं गए तो हमारी के सुनेगा और जहाँ आए जाए जाएंगे तो हमारी कुछ न कुछ मिलतवारी तो होगी और एक हल्के मरसन जाना है। और केसी बांगड़ को अगर टिकट दिया गठबंधन से तब जी मुश्किल की बात से केसी बांगड़ की वोट गार्ड से। अच्छा केसी बांगड़ में दिक्कत हो सकती है दिक्कत हो सकती है। हाँ दिक्कत हो सकती है जी केसी बांगड़ में जो हो सकता है जी वो एक बार चेयरमैन बन लिया और जब तो वो मतलब बाहर है समाज के बारे में उसने बेरा नहीं था हल्का के कुछ गार्ड छोरे लुआ रखे उस तो लोग कुछ कुछ कटे हैं कपूर डॉक्टर ने एक बार बनके अरसे कुछ भी ना करो नहीं हो सके इब के मन के में करेगा उसकी छोटे दिलेगा बड़े से मिलतवारी है उसकी। आप लोग क्या सोचते हैं ये जी मतलब बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है। मेरा मानना है जी किसी एजुकेटेड पर्सन को वो टिकट मिलनी चाहिए और अलका का अच्छी बात है कि हल्के का ऐसा कौन है आपकी नजर में। मेरी नजर में जोगेंद्र मोर जी हैं जी। अच्छा वो एजुकेटेड हैं पीएचडी हैं प्रोफेसर हैं। किस पार्टी से हैं अभी वो किसी पार्टी से नहीं है फिलहाल वो निर्दलीय हैं। अच्छा वैसे यहाँ पर घूम रहे हैं गांव-गांव लेकिन अच्छे हैं। अच्छा हाँ अच्छा एजुकेटेड है सबसे अच्छी बात है एजुकेटेड है क्योंकि हम डेडिकेशन से किसी न किसी के साथ मिल जाते हैं भाईचारा में मिल गए या भाई आपको एजुकेटेड एजुकेटेड ही समाज का भला कर सकता है। आप ये जो साहब मन ने बात बताई है ना जी ये पूरा हल्का की बता दी एकदम खरी खरी बता दी आपने। हाँ हाँ खरी तो थाना में पचाओगे मानस ने एक सीआई में पचाओगे सीआई वाले तो सारा खोज रखा डेगे हम सारा हल्कम घूम भी रहे हाट भी रहे कपूर डॉक्टर ने टिकट आ जाएगी ना गाँव में हांडन की घनी जरूरत नहीं। तो ये मूड मिजाज है और जैसा ताऊ जी ने बता दिया तो चुनावी गणित आपको दो लाइन में समझा दिया बाद बाकी समझना है और समझाना है ये दौर तो चलता रहेगा। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और थर्मामीटर लगाने का ये दौर है पब्लिक थर्मामीटर कार्यक्रम हर रोज़ 7:25 पर। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार।